वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी कियारा अडवाणी इंस्पायर्ड मेकअप लुक फ्रॉम शेरशाह। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट मेकअप लुक है। अगर आपको नॉर्मल डेज में भी ये मेकअप लुक ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सबल मेकअप लुक है ये। मैंने ट्राई किया है उनके जैसा मेकअप क्रिएट करने का, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैंने देखा है कई सारे लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार, मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और वीडियो देखा करो तो उसको लाइक भी ज़रूर किया करो और कमेंट में मुझे बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी, जो कि मैं हमेशा अपने मेकअप ट्यूटोरियल में आप सबको बोलती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप में। इसे थोड़ी देर अपनी स्किन पे पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद सेम मैं अपना फेवरेट प्राइमर यूज़ करूँगी, स्विस ब्यूटी का ग्लो बूस्टर प्राइमर। ये प्राइमर यूज़ करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब डेली मेकअप के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये ग्लो बूस्टर प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन यूज़ करूँगी फिटमी का। इसे मैं डैम्प स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और मैं थोड़ा सा मेकअप फिक्सर भी यूज़ करूँगी ताकि बेस जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए और मेकअप आपका फ्लॉलेस लगे। तो इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। और नेक एरिया पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका फेस अलग और आपका नेक एरिया एकदम अलग ही लगने लगता है। और अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे डार्क सर्कल्स हैं इसलिए मैं अपने डार्क सर्कल्स की वजह से यूज़ करती हूँ। अगर आपके नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और मैं इससे अपने बेस को सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पैलेट लूँगी और इसमें से ये न्यूड शेड पिक करूँगी और अपने आईलेट पे अप्लाई करूँगी। क्योंकि जब आप फाउंडेशन यूज़ करते हो ना तो आपकी जो आईज़ होती हैं, आईज़ का कलर और पूरे फेस का कलर सेम लगने लग जाता है। तो आपकी आईज़ को डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा न्यूड कलर अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इससे आपकी आईज़ को गहराई मिल जाएगी। इसके बाद मैंने ये लोटस का काजल लिया है और इसे मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। बहुत इजी है, आप देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा आपको कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप लुक है। मैंने इसमें कंसीलर यूज़ किया, आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करो। और इसे मैं थोड़ा सा स्मज कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे मस्कारा भी अप्लाई किया था बट वो वीडियो कहीं मेरे से डिलीट हो गई, तो इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना जैकलिन हिल का पैलेट ले रही हूँ और ये पीच पिंक शेड लेकर एज अ ब्लश मैं यूज़ करूँगी। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मुझे ये पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने हर एक वीडियो में इसको यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये अचार की लिपस्टिक ली है और इससे मैं डैब डैब करके अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी और एक बहुत ही प्यारा न्यूड पिंक शेड आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर है इसलिए मैंने इसको एकदम हल्का हल्का डैब किया है अपने लिप्स पे। और अब मैं अपने ईयरिंग्स पहन लूँगी और इसके बाद मैं अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था ये सिंपल सी हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्योंकि लगती बहुत इजी है लेकिन इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। मतलब जब तक ये अच्छी नहीं बनेगी तब तक वो लुक ही नहीं आता है। तो मैंने सोचा मैं अपना स्ट्रगल और अपनी हेयर स्टाइल आप सबके साथ में शेयर करूं।
हेयरस्टाइल हो गई और अब मैं यहाँ पे पिंक बिंदी यूज़ करूँगी क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल ही ये लुक अधूरा है। और अब मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी और फाइनली मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैंने ये बेबी पिंक कलर का दुपट्टा लिया है अपने पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए। आई होप आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।